हे एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गुलाब जामुन इन कुनाफा की रेसिपी। ये रेसिपी इतनी पसंद आई मेरे घर वालों को तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ तो मेरा शेयर करना बनता है। कुनाफा एक मिडिल ईस्टर्न डेजर्ट है जो वहाँ पे लोग बहुत ही अच्छे से खाते हैं, बहुत इंजॉय करके खाते हैं, तो इसको भी आप ज़रूर बनाएं, अपने तरीके से इनोवेट करें और अपने घर वालों को इम्प्रेस करें। तो हमको इसके लिए सबसे पहले चाशनी बनाना है। एक तार वाली चाशनी नहीं बनाना है आपको, यहाँ पे पहले एक कप शुगर लेना है और आधा कप पानी लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़े से सैफ्रन के धागे डाल देना है, चाशनी को उबलने देना है। और मैंने यहाँ पे आज रेडीमेड डो यूज़ किया है गुलाब जामुन बनाने के लिए। हमने यहाँ पे लूपफॉर्म मिल से अच्छे से डो को ऐसे नीट कर लेना है। नीट करने के बाद हमको उसको एक परात में डाल देना है, तेल लगा लेना है या घी लगा लेना है। अच्छे से आपको उसको प्रेस करते करते नीट करना है। सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको 10 मिनट के लिए उसको रेस्ट होने देना है एंड देन उसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेना है। छोटे छोटे बॉल्स बनाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि उनमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं आना चाहिए। अगर उसमें क्रैक आएगा तो आपके जो गुलाब जामुन आप फ्राई करोगे तो वो फट जाएगा। जब भी आप गुलाब जामुन को फ्राई होने के लिए डालोगे तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना वो तुरंत के तुरंत जल जाएगा। और जैसे ही थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर आने लगे उसको फिर आपको कम फ्लेम पे आप 5 मिनट के लिए पकने देना है और उसको फिर तुरंत ठंडी चाशनी में डाल देना है। मेरी यहाँ पे चाशनी ठंडी हो गई थी और फिर मैंने गर्मा गर्म गुलाब जामुन उसमें डाल दिए, तभी हमारे गुलाब जामुन जो है चाशनी को सोक कर पाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे एक कपकेक वाला मोल्ड वाली ट्रे ले लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे फेनी ले ली है। आपको पहले मोल्ड को घी से ग्रीस करना है, फिर फेनी को सारी साइड से आपको ऐसे एक कप का जो शेप बना है उसमें आपको कवर कर लेना है। बिल्कुल ऐसे ही स्टेप फॉलो करना है जैसे मैंने आपको बताया है। और उसके बाद हमको इसको बेक करना है। 180 डिग्री पे आप पहले प्री हीट कर लीजिए अपने ओवन को। उसके बाद आप उसको 10 मिनट्स के लिए 15 मिनट्स के लिए बेक कर लीजिए, जब तक आपका ये जो कुनाफा है क्रिस्प नहीं हो जाता। फिर हमने यहाँ पे रबड़ी बनाई थी, रबड़ी हमने ऊपर से पोर कर देना है। गर्मा गर्म गुलाब जामुन डाल देना है ऊपर से, एक एक आप एक डालो दो डालो जितनी आपकी इच्छा। अभी मैं आपको उसको निकाल के नहीं दिखा रही क्योंकि ये अब फ्रीजर में सेट होने के लिए जाएगा, वरना फिर वो अभी निकालोगे गर्म गर्म तो वो टूट जाएगा। फिर हम यहाँ पे पिस्ताशियों से उसको गार्निश कर रहे हैं एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे उनको 10 मिनट्स के लिए हम फ्रीज होने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं और उसके बाद आप देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब निकाल के भी मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना फाइन टेक्सचर है, डिलीशियस बना, मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आया। तो आप भी इस दिवाली इसको ज़रूर ट्राई करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। थैंक यू।